एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, आवाज़ बंद कर लें थोड़ा। आज मैं जो है वो आपको कुछ शॉपिंग दिखाने जा रही हूँ। अक्षय तृतीया के लिए मैंने कुछ शॉपिंग की है, पोशाक के लिए, नई पोशाक के लिए। सो इसमें मैं राधा कृष्ण जी के लिए कोई पोशाक जो है वो बनाऊँगी, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैंने एक ही येलो कलर का प्लेन कपड़ा लिया हुआ है, एक ही फ्रोजी कलर का प्लेन कपड़ा लिया है, और ये एक मेजेंटा, क्या बोलते हैं इसको, पिंक कलर का कपड़ा लिया हुआ है। और ये तीनों कपड़े जो हैं वो प्लेन हैं। अब मैं इन्हीं से कुछ मिक्स एंड मैच करके पोशाक बनाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ चल रहा है लॉकडाउन। सो बहुत ज़्यादा मार्केट जो है सुबह खुलती है 11 बजे तक, लेकिन मैं बाज़ार जा नहीं पा रही हूँ। मैं जाती भी नहीं हूँ, वैसे भी मैं जा भी नहीं पा रही हूँ इस समय। तो कुछ मैंने कपड़े ख़रीदे, तो कुछ ना मैंने दुपट्टे टाइप के ख़रीदे, मैं उनसे ना पोशाक बनाऊँगी। तो ये मैंने एक पिंक कलर का जो है वो कपड़ा ख़रीदा, और ये शायद शिफॉन का है। मैं इसी से जो है अक्षय तृतीया की पोशाक बनाना का सोच रही हूँ। सो इस पे इस तरीके का काम है। सो पूरे दुपट्टे पे है चूँकि, तो इससे मुझे बहुत अच्छा बढ़िया सा लुक मिल जाएगा, और इससे बनाऊँगी। इसी का मैंने येलो ख़रीदा है। सो येलो और पिंक मिला कर ही मैं जो है वो अपनी पोशाक तैयार करूँगी राधा कृष्ण जी के लिए। सो ये तो हो गया पहला, ये पोशाक ये सोच रही हूँ। दूसरा ये बंधेज का है, चुनरी प्रिंट पर है, इसको भी मैं सोच रही हूँ। आप लोग बताइएगा, कहेंगे तो बनाऊँगी इसका भी, अक्षय तृतीया अपनी तो कभी और पहनाऊँगी। इसके लिए ना मैंने ये वाला कपड़ा लिया है कि इसकी मैं धोती और पटके निकालूँगी, इसका लहंगा इस टाइप से मिक्स एंड मैच करके मैं इसे बनाऊँगी। तो ये मैं सोच रही हूँ। वैसे इसके साथ येल्लो भी जाएगा, लेकिन अब येल्लो कितनी चीज़ों के साथ जाए तो ये भी है, लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो या तो येल्लो बना दूँ इस तरीके से, और इसके लिए मैं एक लेस लाई हूँ, ये वाली लेस लगा दूँ, इसकी धोती बनाऊँगी, कुछ करूँगी। तो ये मैं जो है वो एक ये लेकर आई हूँ, और इसी के पटके निकालने के लिए लाई हूँ मैं एक ये वाला। तो इसमें मल्टी कलर है ये, इसमें कुछ पगड़ी के लिए भी निकालूँगी, इसमें चूँकि ऑलरेडी लेस लगी हुई है। सो मैं इसे इस तरीके से बनाऊँगी। एक कपड़ा मैं ये लेकर आई हूँ, इसकी भी कुछ पोशाक ही बनानी है मुझे, तो मैं देखूँगी क्या बनाऊँ। ये ना उसका है, ब्रॉकेट सिल्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वही कपड़ा है ये। तो मैं एक ये लेकर आई हूँ। तो ये तो मैंने ख़रीदे कपड़े, अब मैं आपको दिखाऊँ लेस। तो ये मैंने एक लेस ख़रीदी, मार्क ले आओ ब्लैक वाला, ओके जी। तो ये मैंने एक फ्रोजी कलर की लेस ख़रीदी, और ये ना इस टाइप की कुछ लेस है, बहुत सुंदर लगती है ये लेस। मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको, वन सेकेंड, ये देखें बहुत ही प्यारी लगती है लेस जब कपड़ों में लगती है, तो ये इसका लुक बहुत सुंदर आता है। उसके बाद मैं एक लेस ये लाई हूँ मोती वाली, दुपट्टे में लगाने के लिए। तो पोशाक चूँकि मैं खुद से ही बनाऊँगी, तो देखती हूँ जो भी बनेगा, ईश्वर को जो पहनना होगा वो बनवाएंगे और पहनेंगे, यही मेरी ईश्वर से कामना है। उसके बाद मैं दो लेस और लाई हूँ दुपट्टे के लिए, ये मैं आपको दिखाऊँ, बहुत सुंदर लेस है ये, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लेस है। इस लेस का लुक ना एकदम कट दाने जैसा आ रहा है, ये देखें ये वाली लेस में लाई मैं, ऐसे देखें, जी हाँ। तो इसका लुक एकदम नहीं जैसे कट दाना होता है, कट दाने का काम होता है उस टाइप का है, ये देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये बहुत सुंदर लेस है ये। तो ये मैं लेकर आई हूँ 10 मीटर के करीब, और उसके साथ एक लेस मैं और लाई हूँ दुपट्टे में लगाने की, चूँकि उसमें ना ऐसी लेसें अच्छी लगती हैं दुपट्टे में। सो ये कॉमन नहीं है, जल्दी नहीं मिलती है, तो मुझे ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लगी, तो एक लेस में ये लाई हूँ। तो ये मैं लेस लेकर आई इतनी सारी। तो ये तो हो गई हमारी लेस, ठीक है। इसके बाद मैंने कुछ ख़रीदी लटकन, तो ये मैं पगड़ी में लगाने के लिए लगाऊँगी, तो जैसा भी मन होगा, कुछ ना जवान लड़खड़ा रही है मेरी। तो ये देखें ये वाली मैं लटकन लाई, दोनों लटकन बहुत सुंदर लग रही हैं, ये देखें बहुत ही प्यारी लटकन है ये, गोल्डन कलर में, और इस तरीके से ना बहुत सुंदर लग रही है। इन्हें पगड़ी में साइड वाइड में लगाऊंगी, तो पतिदेव कुछ हेल्प करवाएंगे तो मैं लगाऊंगी। कुछ स्टोन चेन लेके आई हूँ रेड कलर की, सो ये भी कुछ कपड़ों में के ही काम से मैं लेकर आई हूँ, बहुत सुंदर लग रही थी ये। चूँकि रेड कलर जल्दी मिलता नहीं है, गोल्डन और सिल्वर कॉपर ही तो मिल जाते हैं। एक मैं ये लाई हूँ पैच, तो देखूंगी कुछ करूंगी इसका पोशाक में, अक्षय तृतीया वाली श्रृंगार में कुछ करूंगी। और उसके बाद मैं ये और रील लेकर आई हूँ धागे की, चूँकि कपड़े बनाना ही है तो अब तो खुद से ही सारा काम जो है करना पड़ता है, तो वो लाई हूँ। एक ही फैब्रिक ग्लू लाई हूँ, चूँकि स्टोन चेन ना इससे आप ना फेविकॉल की वजह से, बहुत सारे लोग कहते दीदी किससे चिपकाते हैं, तो ये बहुत सही रहता है। ये क्या होता है, फेविकॉल थोड़ा सा लिक्विड ही होता है, ये थोड़ा सा थिक होता है,
तो वो थिन होता है, तो इसमें क्या है, आप जरा सा एक ड्रॉप रखिए ना, 2 मिनट बाद सूख जाता है और आपकी ज्वेलरी या आप जो भी बना रहे हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से बन जाता है। तो ये इसका एक फ़ायदा है। तो मैं इतनी चीज़ें जो है वो ख़रीद के लाई हूँ। अब अक्षय तृतीया के लिए तैयारी अब शुरू करूँगी, धीरे 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 तैयारी जो है वो पूरी हो जाएगी। और 2 ये भी लाई हूँ, दिखाना भूल गई मैं आपको, 2 ये गोल्डन कलर के ये पेच लाई हूँ, पगड़ी में लगाऊंगी इन्हें मैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं ये। तो ये भी सामान लेकर आई हूँ। तो ये इतना सारा सामान जो है मैं अक्षय तृतीया के लिए लेकर आई हूँ। अब देखो क्या बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा मार्केट तो खुल नहीं रही है, मैं सोच के कुछ और गई थी बट वो मिल नहीं पाया। अच्छा देखिए ये रह गए, कुछ बटन भी लाई थी, ये भी दिखाती हूँ। ये देखो ये पिंक कलर के ये लाई हूँ मैं, ये देखिए आप, बहुत सुंदर हैं ये। और ये रोज़ पैटर्न में लाई हूँ, तो ये तो अंगूठी अंगूठी या पगड़ी में आप कुछ सी लगा लीजिए। और ये गोल्डन कलर के, तो इस टाइप के कुछ सारे मैं बटन लेकर आई थी। तो दोस्तों अक्षय तृतीया की तैयारी जो है मैंने शुरू कर दी है, और देखते हैं धीरे धीरे क्या बनता है। ईश्वर क्या पहनना चाहते हैं, क्या बनवाना चाहते हैं, वो सब तो उन्हीं के हाथों में है, हमारे आपके तो कुछ नहीं है, हमारे आप तो बस सोचते रहते हैं। पोशाक के लिए मैंने इन्हीं दोनों का सोचा है, पति से पूछते क्या कहते हैं, क्या सोचा, ये दोनों बनाए ना, पिंक वाला येलो वाला है ना, पिंक येलो ही वो कह रहे हैं। तो देखिए अब हस्बैंड भी अपनी मेहनत करने में लगे हुए हैं, आज के लिए घर में ही हैं, घर में ही इन्हें छुट्टी ले रखी है, तो अभी 2-3 दिन तो मुझे लगता है घर में ही रहेंगे, तो काफ़ी सारी हेल्प करवा देंगे। और मैं इनके घर के रहने, घर में रहने का बहुत सारा फ़ायदा उठाऊंगी, बहुत सारा काम मुझे इनसे लेना है। अभी ये बहुत दिनों से बच बच के घूम रहे थे, अब मैं इनसे बहुत सारा फ़ायदा उठा के अपना काम करवाऊंगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अक्षय तृतीया की आप लोगों की क्या क्या तैयारी चल रही है मुझे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे यहाँ तो मार्केट बहुत कम खुल रही है, तो बहुत ज़्यादा सामान नहीं मिल पा रहा है, जो मिल रहा है वो लेकर आ रही हूँ। तो इसी में कुछ करूँगी, देखूँगी इसी में कुछ बढ़िया सी पोशाक जो है वो मैं तैयार करूँगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। और आप लोग मुझसे पूछेंगे कि दीदी ये दुपट्टे कितने के लाई हैं, तो ये सारे दुपट्टे जो आप देख रहे हैं ये 200 का है, ये 200 का, ये वाला भी 200 का है, और ये वाला भी 200 का ही है। तो ये सारे है ना, 200 के ना, क्योंकि हस्बैंड जाते हैं साथ में, मैं अकेले नहीं जाती, तो ये 200 के ही हैं सारे दुपट्टे। तो ऐसे आए हैं, इनका प्राइस ये है। अब इनका प्राइस बता पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए शहर के हिसाब से हर जगह 19-20 में मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं हमारे यहाँ 2 रुपये सस्ता है तो आपके यहाँ 2 रुपये महंगा होगा, ज़रूर होगा। तो प्राइस तो ऐसा 19-20 चलता रहता है, तो फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।